Hello and welcome to the sixth poem of class sixth. And the name of the poem is The Wonderful Words. Namaskar, aap sabhi ka swagat hai class sixth ke poem mein jiska naam hai The Wonderful Words. To chaliye shuru karte hain. Imagine a world without language. All humans speak at least one language. क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी दुनिया जहाँ कोई भाषा ही ना हो, इंसान दूसरे इंसान से बातचीत ही नहीं कर पाएगा, तो कैसा अनुभव होगा? क्योंकि हर इंसान कोई ना कोई एक भाषा बोलता है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, ओडिया हो, बंगाली हो, तमिल हो, पंजाबी हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, वो कोई ना कोई भाषा बोलता है. यहाँ तक कि जो लोग बोल नहीं सकते वो भी साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं. द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट. जो शब्द हम बोलते हैं वो हमारे विचारों को व्यक्त करते हैं, हमारे थॉट को बाहर लाते हैं. रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स. तो चलिए कविता पढ़ना शुरू करते हैं. नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई. यानी कभी भी किसी विचार को श्रिवल यानी सूख कर छोटा हो जाना. साधारणतः यह हम पेड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं. अगर पेड़ों में पानी नहीं पहुंचता तो वो सूख जाते हैं और मर जाते हैं. तो यहाँ कहा गया है कि किसी भी थॉट, किसी भी विचार को आपको सूखने नहीं देना चाहिए और उन्हें मरने नहीं देना चाहिए. फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट. क्यों ना, क्योंकि एक रास्ता या एक पद्धति या फिर एक तरीका जिसके द्वारा आप उसे कह सकें. अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके अंदर की सोच सूख कर मर जाएगी. फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम. तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात की गई है, क्योंकि क्या होता है, कई बार देखा गया है कि लोगों को इंग्लिश बोलने या समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है. तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि इंग्लिश जो है ये एक वंडरफुल, मज़ेदार, फैंटास्टिक गेम है, एक खेल है, क्योंकि अगर हम इसे प्रैक्टिस करेंगे तो हम इसको भी सीख सकते हैं. एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट. और आप सब इसे खेल सकते हैं या फिर सीख सकते हैं. ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड. बस आपको क्या करना है ना, आपके दिमाग में जो थॉट है, जो सोच है, उसको व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए आपको शब्दों की ज़रूरत पड़ती है. आपके दिमाग में ज़रूर कोई ना कोई बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं या सोच आती है जो आपको व्यक्त करना होता है या फिर बताना होता है, और इसके लिए आपको शब्दों की ज़रूरत पड़ती है. सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड. इससे क्या होगा, अगर आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके सोच जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकेंगे. हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड यानी जिस तरह से हम किसी बच्चे को अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छी पोशाक पहनाते हैं, अच्छा रखते हैं, उसी प्रकार हमारे जो थॉट हैं उसके लिए वर्ड्स उसी तरह का काम करते हैं, यानी कपड़े और खाने का काम करते हैं. अगर हम अच्छे शब्दों का चयन कर सकेंगे, सिलेक्शन कर सकेंगे, तो हम अपने थॉट्स को अच्छी तरह से प्रेजेंट भी कर सकेंगे. फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग हैड नेवर येट बीन सेड. यानी अब तक बहुत सारे ऐसे खूबसूरत प्यारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने नहीं आई हैं, यानी ये थॉट्स हैं. मान लीजिए अगर किसी ने नहीं सोचा होता एरोप्लेन के बारे में तो आज हम हवाई जहाज़ में नहीं उड़ते, तो वो भी एक थॉट ही था और उसके द्वारा आज हम आगे आगे बढ़ रहे हैं. तो इस तरह से जो थॉट हैं वो अगर हम आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं, तो उन शब्दों का सहारा लेकर हम उसे बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं. वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेसेस ऑफ थॉट. वर्ड्स जो हैं वो थॉट के कपड़े और ड्रेस यानी कपड़े और फूड यानी खाद्य, खाना है. जैसा मैंने आपको अभी कहा कि जिस तरह हम बच्चों को अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छे तरह से उन्हें सजाते हैं, तो इस तरह से वो और अच्छे दिखते हैं. तो इसी तरह जो वर्ड्स हैं वो
थॉट के लिए कपड़े और खाने का काम करते हैं, यानी उन्हें पौष्टिकता मिलती है, उन्हें और अच्छा बना सकते हैं। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग, यानी जो थॉट है उसे उसका शरीर मिलता है और आगे बढ़ने की चाह मिलती है। एंड एवरी वन लॉन्गिंग टूडे टू हियर फॉर सम फ्रेश एंड ब्यूटिफुल थिंग, और आज के ज़माने में हर कोई चाहता है कुछ अच्छा और साफ, कोई थॉट, कोई विचार या कुछ अच्छी चीज़ें सुनना। एंड एवरी वन लॉन्गिंग टूडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटिफुल थिंग, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज, यानी सिर्फ शब्द ही ऐसे वे हैं, रास्ते हैं जिसके द्वारा थॉट जो है वो आपके आँखों के पीछे, यानी आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं वो बाहर आ सकते हैं। प्रिजन यानी जेल, आपके आँखों के पीछे जो आपका दिमाग है उस दिमाग में आपके बहुत सारे थॉट्स हैं, और उस थॉट्स को बाहर लाने के लिए आपको शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज, हो सकता है इस समय आपके दिमाग में कोई बहुत ही अच्छा प्यारा थॉट चल रहा हो। जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं उस समय आपके दिमाग में हो सकता है बहुत ही अच्छा प्यारा सा थॉट चल रहा हो, तो ये आपके दिमाग में अटक कर रह जाएगा अगर आप इसको किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, किसी को बताओगे नहीं, और बताने के लिए आपको शब्दों का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये थी कविता द वंडरफुल वर्ड्स। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू।